स्टार्ट हमारे समक्ष पेश किए गए पूर्वापराध पत्र से यह दर्शित होता है कि पिटिशनर के विरुद्ध अंतिम प्रथम इतिला रिपोर्ट तारीख 15 अगस्त 1972 को दर्ज की गई थी। विराम, ऐसा प्रतीत होता है कि तत्पश्चात पिटिशनर के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों की यह शिकायत थी कि वह एक उच्च जीवन स्तर बनाए हुए है और रात में भी अनेक व्यक्ति उससे मिलने आया करते हैं। विराम, यह और शिकायत की गई है कि पिटिशनर को स्थानीय पुलिस के विरुद्ध मिथ्या परिवाद फाइल करने की आदत है। विराम, प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल किए गए प्रत्युत्तर शपथ पत्र तथा पूर्वापराध पत्र में की सामग्री के आधार पर यह अभी निर्धारित करना कठिन है कि पिटिशनर एक अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिए कृत संकल्प है। विराम, पैरा गोविंद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि विधि ऐसे व्यक्तियों की जिनके विरुद्ध यह राय बनाने के लिए ऐसी युक्तियुक्त सामग्री विद्यमान है जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराधी जीवन बिताने के लिए कृत संकल्प है, निगरानी को सशक्त करती है। यहाँ इस संदर्भ में अपराध ऐसे अपराध तक सीमित है जिसमें केवल लोक शांति या सुरक्षा अंतर्वलित है या यदि उसमें खतरनाक सुरक्षा जोखिम है। विराम, केवल ऐसे आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि को जहां समाज की सुरक्षा के लिए कोई भी गंभीर खतरा नहीं है, इस विनियम के अधीन निगरानी का समर्थन करने वाला नहीं माना जा सकता। विराम, इसी प्रकार पुलिस द्वारा घर पर जाने और धरना देने को स्पष्ट रूप से उन मामलों तक सीमित किया जाना चाहिए जिनमें समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा हो और दोष सिद्धि के समाप्त होने पर या कारागार से छोड़े जाने पर या पुलिस अधिकारी के वहम पर ही उनका पीछा नहीं किया जाना चाहिए। विराम, वैधता की बात तो दूर, तथ्यतः ये विनिमय देहिक स्वाधीनता के सार के अनुरूप नहीं है और राज्य को चाहिए कि वह इन प्राचीन पुलिस विनियमों का पुनरीक्षण करने का प्रयास करे जो अब खतरनाक रूप से असंवैधानिकता के निकट पहुंच गए हैं। विराम, पैरा माखन सिंह संधु बनाम थाना अधिकारी पुलिस थाना लोधी कॉलोनी और अन्य में जिसे इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित किया गया था, पिटिशनर को उसके विरुद्ध दर्ज किए गए किसी भी मामले में दोष सिद्ध किया गया अथवा उससे शांति कायम रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए जमानत पर छोड़ा गया नहीं पाया गया। विराम, मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यह अभी निर्धारित किया गया कि प्रत्युत्तर में यह दर्शित करना प्रत्यर्थियों का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति का नाम निगरानी रजिस्टर में निरंतर रखा जाना आवश्यक है। विराम, यह अभी निर्धारित किया गया कि इस विश्वास के लिए कि पिटिशनर आभ्यासिक रूप से अपराध में लगा हुआ है या वह ऐसे व्यक्ति का सहायक या दुष्प्रेरक है या वह कोई आभ्यासिक अपराधी है या चुराई हुई संपत्ति का प्रापक है, किसी भी युक्तियुक्त आधार के अभाव में उसका नाम निगरानी रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया जाना चाहिए। विराम, स्टॉप।